सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं अनुराग आपका एक बार फिर से अपने परिवार द स्पीड स्टडी में स्वागत करता हूं। और हम लोग जो है अपना एक ही कदम बढ़ाते हुए अपने कोर्स के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज जो है हम लोग क्यूब एंड क्यूबाइड का जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ था वो पूरा डिस्कस करेंगे। कल आपने निखिल सर की क्लास देखी होगी, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया। और अगर जो है आप नहीं देखे हैं तो उसको जो है जाके देख लीजिए। और अगर जो है आप साथ में बने रहते हैं तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो कि नाम था हम लोगों का क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड में हमने जो है बेसिक पूरा बता दिया था। और हमने बताया है कि किसी भी क्लास की जो बेसिक होती है वो जानना बहुत जरूरी रहता है। तो हम एक नजर डालते हैं अपने पुराने सिलेबस पर, अर्थात पुराने जो पढ़ाया है इस चैप्टर के पुराने वीडियो पर। तो अगर हम पुराने वीडियो पर नजर डालें तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारे घन होते हैं, हमारे घन से या तो तीन सतह पेंट मिलेगा, सतह मतलब या तो घन तीन सतह वाला पेंट होगा, या तो किसी घन की दो सतह पेंट होगी, या तो किसी घन की एक सतह पेंट होगी, या तो किसी घन की कोई भी सतह पेंट नहीं होगी। ठीक, तो जो घन होते हैं वो यही चार प्रकार के होते हैं। तो अगर अगर तीन सतह पेंट की बात की जाए तो तीन सतह पेंट की संख्या जो होगी वो हमेशा आठ होगी, आठ से ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि हमने बताया था कि जो तीन सतह वाले पेंट मिलते हैं, घन मिलते हैं तीन सतह पेंट घन, तो वो केवल कॉर्नर से मिलते हैं, कोने कोने पर। और चूंकि हमको पता है कि आठ कोना होता है भाई, एक दो तीन चार इधर और एक दो तीन चार इधर, तो आठ कोना होता है, इसीलिए इसकी संख्या हमेशा आठ रहती है। उसी के बाद दूसरा चीज, दो सतह पेंट, अगर दो सतह पेंट की बात की जाए तो देखिए, चूंकि दो सतह पेंट हमको कहां से मिलेगा, तो दो सतह पेंट हमको मिलेगा कॉर्नर से मिलेगा। मतलब कि जो आपका मिडिल वाला भाग है, मिडिल का मतलब ये हुआ कि जो आपको यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में, तो इस तरह जो हमको मिलता है वो हमको मिलता है मध्य वाला। तो इसका जो होता है 12n-2, ये है दो सतह पेंट की संख्या। उसी प्रकार अगर हम एक सतह पेंट की बात करें, एक सतह पेंट की बात करें, तो वो हमको मिडिल में, अर्थात जैसे ये है तो इसके बीचों बीच में जो हमको मिलेगा वो एक सतह पेंट का होता है। एक सतह पेंट के लिए है एक यन माइनस टू का होल स्क्वायर। उसी प्रकार एक भी सतह पेंट ना हो, अर्थात जीरो सतह पेंट के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो जीरो सतह पेंट के लिए वो होगा यन माइनस टू का होल क्यूब। ठीक, पिछले वीडियो में हमने ये चारों चीजें पूरा विस्तार से बताई थी। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगर तो जो हमारा यन होता है, यन बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। ठीक, और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि छोटे घन की संख्या ये बराबर होती है यन क्यूब के। ठीक, तो यही इतना चीज केवल आपको याद रखना है और इसको याद नहीं करना है। अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो ये पूरी चीजें कवर हो जाएंगी और आपको तैयार हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अगर जो है आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। और अगर आप यहां पे बनते हैं, यहां पे जुड़ते हैं, तो आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, 10 दिन इंतजार कीजिए। अगर आपको ये लगे, उन 10 दिनों में आपको अगर ये लगे कि आपको इससे फायदा नहीं हो रहा है, तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक बार, आप लोग कमेंट में आ जाइए, एक बार आप लोग कमेंट में आ जाइए। हेलो महेंद्र, हेलो आशीष, गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग
मुकेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। कह रहा है, प्रश्न समझिएगा, प्रश्न समझिएगा, प्रश्न कह रहा है एक घन को पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है तथा 243 घनों में काट दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो कितने घन ऐसे होंगे जिनके दो सतह पेंट। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न है कि एक घन को पेंट किया जाता है और पेंट करने के बाद उसे 243 घनों में काट लिया जाता है और काटने के बाद ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसकी दो सतह पेंट होगी। केवल आपको यह जानना है कि हमको कितनी सतह पेंट निकालना है। तो प्रश्न में कह रहा है कि जिसकी दो सतह पेंट हो, और हमने बताया कि दो सतह पेंट अगर बात करेगा तो हमको मिडिल से जो मिलेगा वही दो सतह पेंट मिलेगा। तो मिडिल से मिलेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि दो सतह पेंट घनों की संख्या, दो सतह पेंट घनों की संख्या बराबर फार्मूला होता है आपका 12n-2। यही फार्मूला है। दो सतह पेंट अगर कहेगा तो 12n-2, एक सतह पेंट कहेगा तो बिना किसी फार्मूले के वो जवानी केवल 8 बोल देना है आपको, चार सतह पेंट कहेगा बिना बोल कुछ किए 0 बोल देना है आप लोगों को। ये सब चीज मुंहजवानी कैसे करेंगे ये पिछले वीडियो में हमने बताया था, आज केवल हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उस पर सवाल किस प्रकार से बनते हैं। तो पहला प्रश्न जो बनता है वो आपका इस तरह से बनता है, तो इसमें केवल आपको फार्मूला लगा देना है, 12 है 12 और यन का मान नहीं दिया है, तो चूंकि हमको दिया है कि 243 घनों में काट लिया जाता है तो इसका मतलब 243 छोटे घनों में काट लिया जाता है। तो छोटे घनों की संख्या 243 है, क्या है, छोटे घनों की संख्या बराबर 243। और 243 का मतलब क्या हुआ, यन क्यूब भाई, ये है ना छोटे घनों की संख्या बराबर यन क्यूब, तो यन क्यूब बराबर 243 के, तो यन बराबर हो जाएगा 7 की घात 3, यानी कि यन क्यूब बराबर 7 की घात 3, 7 × 49 = 343। तो यहां से हमको यन का मान मिल गया 7। इसको मुंहजवानी करना है भाई, चूंकि 243 अगर बोल रहा है तो 7 हो जाएगा, 64 बोल रहा है तो 4 हो जाएगा, 8 बोल रहा है तो 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, 216 बोल रहा है तो 6 हो जाएगा। तो जब यन का मान मुंहजवानी निकालिए, तो जब यन का मान मुंहजवानी निकल जाएगा 7, तो 7 में से 2 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा और 12 × 5 = 60। इसका मतलब कि दो सतह पेंट घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, यही आ जाएगा आंसर। किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताइए, किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताइए जल्दी जल्दी। दीपक समझ में आ गया सर, मोहित समझ में आ गया सर, पंकज बहुत अच्छा सर, सत्यमूर्ति समझ में आ गया सर, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अगर समझ में आ जाए तो लाइक वाली बटन जरूर दबाइए ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोग सच में समझ गए हैं। तो चलिए जैसे कि एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग, इसी तरह एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग, एक प्रश्न और देखते हैं। तो प्रश्न है कि एक घन को पेंट किया जाता है तथा 216 छोटे घनों में काट दिया जाता है, तो कितने सतह घन ऐसे होंगे जिनके जिनके एक सतह तथा
दो सतह पेंट होगी, जिनकी एक सतह तथा दो सतह पेंट होगी। तो हमको दो चीज बताना है इसमें कि ऐसे घन बताने हैं जिनकी एक सतह पेंट हो और ऐसे घन बताने हैं जिनके दो सतह पेंट हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पहले आप यन का मान निकालिए। तो यन का मान निकालने के लिए हमको पता है कि यन क्यूब बराबर जो छोटे घनों की संख्या दी गई रहे उसी के बराबर लिख लेते हैं। फिर यन क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 6 की घात 3। तो इसका मतलब यन बराबर आ गया आपका 6। कहीं समस्या किसी को भी, अगर समस्या को तो कमेंट करें। यन का मान आप पा गए 6, और यन का मान जब 6 मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सतह अगर बात कर रहा है तो एक सतह पेंट की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए। एक सतह पेंट की अगर बात कर रहा है तो 6n-2 का होल क्यूब, यानी कि 6 और यन का मतलब 6-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 × 6 में से 2 गए 4 और 4 चौक 16 और 16 × 6 = 96। इसका मतलब ये हुआ कि एक सतह पेंट घनों की संख्या कितनी हो गई, 96 हो गई। उसी प्रकार दो सतह पेंट घनों की संख्या, तो दो सतह पेंट घनों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 12n-2। वही चीज है, केवल आपका यही याद रहना चाहिए इतना बस। और याद कैसे होगा, पिछले वीडियो में जो हमने बताया है। तो ये हो जाएगा 12 और यन का मतलब 6-2, यानी कि 12 × 4 = 48 आ जाएगा आपका आंसर। किसी को भी कहीं भी समस्या हो तो कमेंट करिए। एक प्रश्न और देखते हैं और आखिरी प्रश्न देखेंगे, इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और वो प्रश्न ये है कि एक घन को 64 छोटे घनों में काट दिया जाता है। एक घन को 64 छोटे घनों में काट दिया जाता है तो कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम दो सतह पेंट होगी। अब देखिए, कल वाले में हमने बताया था पिछले वीडियो में कि कम से कम और अधिक से अधिक में क्या मतलब है। तो सबसे पहले यन का मान तो हमको जरूरी है निकालना, तो सबसे पहले हम यन का मान निकालेंगे। तो यन का मान कैसे निकालेंगे बताइए, आप लोग बताएं। सही बोला दीपक ने, सही कहा दीपक। बोल रहे हैं कि सर जी यन क्यूब बराबर होता है 64 के, तो यहां से यन बराबर निकालेंगे तो 4 × 16 = 64, यानी कि यन बराबर 4 आ गया। यन बराबर 4 आ गया, कह रहा है कम से कम दो सतह पेंट। तो कम से कम दो सतह पेंट का हमने बताया था कि अगर कम से कम की बात की जाए तो ज्यादा वाले लिखेंगे, अर्थात 2 सतह पेंट + 3 सतह पेंट, और 3 से ज्यादा होता नहीं है तो इसलिए 2 सतह पेंट और 3 सतह पेंट दोनों करके जोड़ देंगे। तो 2 सतह पेंट के लिए हमको पता है 12n-2 और 3 सतह पेंट के लिए पता है हमको 8, यानी कि 12n का मान कितना है 4-2 और +8, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, 12 × 4 में से 2 गए 2 और +8, यानी कि 12 × 2 = 24, 24 और 8 8 × 4 = 13, यानी कि 33। तो हमने क्या देखा कि कम से कम दो सतह पेंट घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। पूरा प्रश्न यही रहता और अगर यही कम से कम की जगह पे अधिक से अधिक रहता, समझिएगा, कम से कम की जगह पे क्या रहता, अधिक से अधिक दो सतह पेंट। तो अगर अधिक से अधिक दो सतह पेंट रहता तो अधिक वाले में कम वाला लिया जाएगा, मतलब 2 सतह पेंट + 1 सतह पेंट और +0 सतह पेंट।
ठीक, अगर अधिक से अधिक रहेगा तो उससे कम जितना रहेगा सब लिख लेंगे, और अगर कम से कम रहेगा तो उससे ज्यादा जितना रहेगा वो लिख लेंगे। तो ये चीज है, इस तरह हम लगाते हैं। तो अगर क्यूब एंड क्यूबॉइड में कोई भी प्रश्न आपको समस्या करे तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखिए, अच्छे से देखिए, उसके बाद अगर किसी भी प्रश्न में समस्या हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो हमने आपको जो भी बताया, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।